नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ से कुछ टीचिंग की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। और जब आप यहाँ पे आएंगे, टेलीग्राम में इसकी लिंक मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे आएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए 27/3/2023 की नोटिफिकेशन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका ओपन होके आएगा। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में, क्या है वैकेंसी और किन किन पोस्टों के लिए है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरी पूरी कोशिश है दिल्ली से कोई भी वैकेंसी आपसे ना छूटे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का इन्होंने निकाल रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं एंड ये होंगे क्लोजिंग के डेट 14/4/2023। ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन है जैसा कि मैंने आपके सामने ये बताया आपको। चलिए और देख लेते हैं। देखिए, ये हर पेज पे ना क्लिक हियर टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं ना। ये देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई का आपको ओपन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि पोस्ट कितने हैं ना, 99 पोस्ट हैं जिसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, अनरिजर्व, EWES, SC ST एंड OBC NCL। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसमें पोस्ट हमें समझ में आ गई। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं किन किन सब्जेक्टों के लिए हैं। उससे पहले देख लीजिए, आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे 45 दी गई है। बाकी आप ऑफिस के तरह, आप अगर आप रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पहले से हैं तो 50 है आपके, है ना, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं ना। ये देखिए किन पोस्टों के लिए निकली है 99 वैकेंसी, किन सब्जेक्ट्स के लिए वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 19 नंबर पेज पे, ये पीडीएफ थोड़ा बड़ा है, 144 पेज का ये पीडीएफ है। मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा तो आप इजीली जाके वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, बट ये पीडीएफ काफ़ी बड़ा है। तो मेन मेन जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पोस्ट निकले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट एंड एजुकेशन, फाइन एंड आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फैशन स्टडीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, वेलनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ट्रेवल टूरिज्म एंड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, 99 टोटल वैकेंसी यहाँ दिख रही हैं, कैटेगरी वाइज भी आपको दिख जाएंगी तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, अब ये देख लीजिए, अब आपको, अब देखिए यहाँ पे बार बार ये क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब आपको देखना होगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए, है ना। उससे पहले ये देख लीजिए, दिल्ली NCR में ही आपका सेंटर होगा, ऑल ऑफ इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव एंड एनी अदर। तो ये चार शहरों मेन शहर हैं दिल्ली NCR के, तो इनमें ये कंडक्ट होंगे आपके एग्जाम्स। ठीक है, ये देखिए एलिजिबिलिटी है, आप इसको क्या करेंगे ना, आप यहाँ से जाके चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये प्रिंट लिया गया होगा गवर्नमेंट के थ्रू तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं पीडीएफ, है ना। अब ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट पोजेस फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका MEd होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, या फिर MA इन एजुकेशन विथ BEd होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं ऐसे ही आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ ये देखिए उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन के लिए क्या है ये पोस्ट डिग्री, और इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। फाइन आर्ट्स के लिए क्या होनी चाहिए, है ना। अब मान लीजिए आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंदी के लिए कैसे अप्लाई करना है आपको, MEd होंगे विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप MEd नहीं है तो हिंदी होंगे एजुकेशन से विथ एटलीस्ट 50% मार्क। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सबका चेक कर लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के आप अप्लाई कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का आप चेक कर सकते हैं ना। अब
ये जो मेन पेज था, अब ये फिर से आपको यहाँ से जाके इसको चेंज करना होगा, तभी मेन पेज आएगा। तो अब देखिए, एग्जामिनेशन विल बी 150 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसमें से जनरल स्टडीज होंगे, टेकिंग एप्टीट्यूड्स होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी एंड सब्जेक्ट कंसर्न होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये होंगे 2 आवर्स के ये पेपर होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको वन बाय वन करके सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। पहले आपका सीबीटी होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, और उस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी। द आंसर की विल बी, ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं वेबसाइट, यहाँ पे नोटिफिकेशन में, द आंसर की विल बी प्लेस्ड ऑन SCRT वेबसाइट आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। एनी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग आंसर की रिसीव्ड विद इन 5 डेज, तो 5 डेज के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, ये लिंक बता दिया, अप्लाई करने का भी बता दिया। फॉर्म के जस्ट जैसे ही आप देखेंगे वैकेंसी के, उसके जस्ट ऊपर ही अप्लाई का ऑप्शन है, बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं ना। ये देखिए, जैसे ही आप इसको देखेंगे और क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, दिल्ली NCR से रिलेटेड वैकेंसी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।